बच्चों आपका आज की क्लास में स्वागत है। अपन कार्बनिक यौगिकों के आधारभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अपन ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में अपन कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां और कार्बनिक यौगिकों की पहचान किस प्रकार से उसमें उपस्थित व्युत्पन्न है, उनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक पहले अपन पढ़ेंगे आज कार्बनिक यौगिकों का शोधन। कार्बनिक यौगिकों का शोधन विभिन्न विधियों से किया जा सकता है, जिसमें पहली विधि है ऊर्ध्वपातन, दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, दूसरी विधि है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, तीसरी विधि है आसवन, चौथी विधि है विभेदी निष्कर्षण तथा पांचवी विधि है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्यों हमको इनकी आवश्यकता पड़ती है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनके शोधन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, तो उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए, उनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें शोधन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए ये विभिन्न विधियां जो हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि है ऊर्ध्वपातन, दूसरी विधि है क्रिस्टलीकरण, तीसरी विधि है आसवन, चौथी है विभेदी निष्कर्षण और पांचवी है क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन। तो इन विधियों को अपन एक एक करके आज इनका अध्ययन करेंगे। आप सभी ने ऊर्ध्वपातन अपने घरों में सभी ने देखा होगा। जब आप घरों में अपने देखा होगा कपूर जलाते हैं अपन, तो जिस समय अपन कपूर को जलाते हैं उस समय क्या होता है कि वो जलते समय सीधे काहे में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। और यदि उस गैस में परिवर्तित कपूर को अपन एकत्रित करें तो वो हमको बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलता है, जबकि जिसको हम आपने देखा होगा कि जब अपन कपूर जलाते हैं तो उसमें नीचे बहुत सी गंदगी या वो लिक्विड फॉर्म में कुछ आ जाता है, तो वो कपूर नहीं होता है, वो उसमें उपस्थित अशुद्धियां होती हैं। तो कुछ ठोस को जब गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसको जब हमको शोधन करना होता है तो इस तकनीक से हम उन पदार्थों का शोधन करते हैं जो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा एक बॉल्स आती हैं जिनको कि अपन साधारण भाषा में फिनाल की गोलियां बोलते हैं, जबकि वो फिनोल की गोलियां बोलना गलत है, वो होती है नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन की गोलियां, या उनको नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं, जिनको कि अपन बहुत से अपन गर्म कपड़ों में रखते हैं, या आजकल आपने देखा होगा घरों में ओडोनिल लगाते हैं, वो एक लगाते हैं जिसमें कि क्या होता है कि खुशबू फैलती है और वो वहां से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो वो चीजें जो होती है वो सब ऊर्ध्वपातन की क्रिया को प्रदर्शित करती है। अब यदि हम इनको जलाएं तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि जब हमको प्योर प्राप्त करना होता है, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना होता है, तो हम मिक्सचर को एक प्याली में लेते हैं और उस प्याली में लेकर के उसके ऊपर एक शीट लगा देते हैं और उसके ऊपर एक इस प्रकार से कीप रखते हैं, और उस कीप के अंदर क्या करते हैं जो भी पदार्थ अपना शुद्ध होकर ऊपर आता है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही हम नीचे से उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो और कीप के ऊपरी भाग में कॉटन लगा देते हैं जिससे कि वो पदार्थ वो बाहर ना जाए। जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो क्योंकि हमने क्या बताया है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में परिवर्तित नहीं होते और गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको हम इसी प्रकार इस विधि से अलग कर लेते हैं। जब वो वाष्प में परिवर्तित होते हैं ऊपर आते हैं, इस कॉटन के चारों तरफ हम इस
फनल के चारों तरफ, कीप के चारों तरफ हम क्या करते हैं, गरम गीली करके कॉटन या कोई गीला करके पतला सा कपड़ा लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ का पूरा वातावरण जो है या जो कीप का जो हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है और जो गैस है वो वापस ठोस अवस्था में, हमको ये काला काला आप देख रहे होंगे, वहां एकत्रित हो जाता है और इस प्रकार से हम ठोस को, जो शुद्ध ठोस होता है, उसको एकत्रित कर लेते हैं। इस विधि से हम आसानी से उन ठोस पदार्थों को अलग कर सकते हैं अशुद्धियों से जो हमको किस अवस्था में मिलती हैं, सीधे द्रव ठोस से द्रव में परिवर्तित होती हैं और इस प्रकार से हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी इसके अगली विधि है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, इसको क्रिस्टलन भी बोलते हैं और क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं। ये ठोस कार्बनिक पदार्थों के शोधन की प्राय जो प्रयुक्त विधि है कि इससे अपन कर सकते हैं आसानी से क्रिस्टलाइजेशन का कर लेते हैं। जैसे अपन ने कोई भी ठोस पदार्थ है जो किसी भी उपयुक्त विलाय में इनको घोला जाता है और घोल करके हम क्या करते हैं कि उनकी अशुद्धि को थोड़े समय के लिए आप रख देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका क्रिस्टलीकरण होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है कि सॉल्युबल जो चीजें होती हैं, अल्प विलय चीजें होती हैं, वो अलग हो जाती हैं और जो पूर्णता विलय चीजें होती हैं वो उसमें रह जाती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसा आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि किसी भी पात्र में, हम किसी भी बर्तन में जिस पदार्थ को हमको शुद्ध करना होता है उस यौगिक को लेते हैं और इसको ऐसे विलायक में घोलते हैं कि जिसमें यौगिक सामान्यता ताप पर अल्प विलय हो, मतलब कम मात्रा में घुलता हो। और अल्प विलय होने की वजह से क्या हुआ कि वो जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसको पूर्णतः हम फिर क्या करते हैं, घुल जाता है और तत्पश्चात उसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जितनी मात्रा में उसको घुलना होता है और इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो एक संतृप्त विलयन बन जाए। मुझे लगता है कि आपको संतृप्त विलयन कैसे बनता है ये तो मालूम ही होगा कि जब विलायक में विलेय की इतनी मात्रा घुली हो कि उसमें और अधिक मात्रा न घुली जाए तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उस प्रकार का हम क्या करते हैं, संतृप्त विलयन बना लेते हैं और संतृप्त विलयन बनाने के पश्चात क्या करते हैं, लगभग उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल्स देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इस प्रकार से शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल्स जो है वो धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और जो अपने कार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन है उसमें आपने देखा भी होगा कि जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के बाद जब हम उसे ठंडा करते हैं तो उसमें नीचे सफेद पदार्थ जमा हो जाता है, जो उस पानी में उपस्थित जितने भी अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो नीचे एकत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थों को भी हम इस प्रकार से क्रिस्टलन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। इसके बाद है आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है कि ये महत्वपूर्ण विधि और अलग अलग पदों में होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, वाष्पशील कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाष्पशील होते हैं और उसमें कुछ अवाष्पशील अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं जिनको कि हमको उनसे अलग करना रहता है। तो जब हमारे पास वाष्पशील द्रव होते हैं, अवाष्पशील द्रव आपस में घुले हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, तो इनको इस तरह से हम अलग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पदार्थ हमको मिलता है उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर हमको अलग अलग जगह पर हमको अलग अलग पदार्थ जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आसवन विधि से हम इसको प्राप्त करते हैं और आसवन विधि से जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो वो हमको मिल जाते हैं। तो जब हम इनको गर्म करना शुरू करते हैं, जब इनको हम आगे गर्म करना शुरू करते हैं तो वो उस विधि से क्या होता है कि पदार्थ जिनका क्वथनांक, जो अघुलनशील पदार्थ है या जो ऐसी अशुद्धि है जिसका कि क्वथनांक अधिक होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे पहले हमको वो चीज प्राप्त होगी जिसका क्वथनांक कम होगा, उसके पश्चात हमको वो प्राप्त होता है जिसका क्वथनांक अधिक होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सारे के सारे पदार्थों को अलग कर लेते हैं और उनको हम प्राप्त करते जाते हैं। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि जब उनको हमको करना होता है तो एक
फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में हम उन दोनों पदार्थों को रखते हैं और उन दोनों पदार्थों को रख करके आप इसके डायग्राम आपकी जो बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये डायग्राम आपको दिख जाएंगे कि किस प्रकार से हम उनका क्रिस्टलाइज आसन करते हैं और आसन विधि से उन्हें प्राप्त करते हैं। इस विधि का उपयोग हम अपने घरों में भी करते हैं। बहुत बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि अपने घरों में जब खाना पकाते हैं उस समय शुरुआत में जब खाना पक रहा होता है तो कम खुशबू आती है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि उस खाने की खुशबू जो है वो हमारे आगे तक दूर दूर तक जाने लगती है। लोग कहते हैं देखो आज घर में हमारे कितना अच्छा खाना बन रहा है। तो उस स्थिति में भी यही होता है कि जो खाद्य पदार्थ में हम चीजें मिलाते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीजें चाहे हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं या हम उपयोग में बाकी चीजों में लाते हैं, तो अधिकतर चीजों में जैसा कि मैंने आपको पहली पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि बहुत से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो उन कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं तो उन कार्बनिक पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर उनकी वाष्प हमें प्राप्त होती है, और यदि हम उस वाष्प को इकट्ठा कर लें तो वो पदार्थ हमें पूरी तरह से प्राप्त होता है। इसको अपन घर में भी करके देख सकते हैं कि जैसे आपने अपने पतीली में सामान कुछ भी डाल के गर्म किया तो जो चीज कम टेम्परेचर पर वाष्पित हो जाती है, कम तापमान पर वाष्पित होती है, वो हमको पहले प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद जो चीज होगी वो प्राप्त होगी और उसके बाद जो अगला होगा वो प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि आसवन विधि द्वारा जितने भी पदार्थ हैं उनको प्राप्त करते हैं। इसके लिए आपने पढ़ा होगा जो प्रभाजी आसन, पिछली कक्षा में 10वीं कक्षा में आप प्रभाजी आसन पढ़ के आए हैं। प्रभाजी आसन में आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा था कि जब हम पेट्रोलियम जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है प्रकृति से, उस प्रकृति से प्राप्त पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर हम उससे अलग अलग पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो वहां भी यही स्थिति होती है कि जब अलग अलग टेम्परेचर होता है तो हमको जो पदार्थ है वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसके बाद है विभेदी निष्कर्षण। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि इसकी सहायता से उन कार्बनिक पदार्थों का जलीय विलयन जिनका हो जाता है, जो विलयन ऐसे कार्बनिक है जो विलायक द्वारा निष्कासित नहीं कहते, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा घरों में पानी और तेल इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है, तो जब हमको उसको अलग अलग करना होता है तो उसके लिए हम इस प्रकार से ये पृथक्करण की, आप चित्र में देख रहे होंगे दो प्रकार की पृथक्करण की हमें दिखाई दे रही है, इस प्रकार से पृथक्करण की हमारे पास होती है, उस पृथक्करण की सहायता से हम क्या करते हैं धीरे धीरे उनका हम विलयन जो विलायक होता है उसका हम अलग कर लेते हैं। अब जैसे हमने पानी मिलाया, केरोसिन मिलाया और उसमें और दूसरा तेल मिल गया, मान लीजिए हमारे तीन चार चीजें उसमें इकट्ठी मिल गई है, अब हम उन्हें अलग करना होता है तो उसको अलग करने के लिए हमको कुछ समय के लिए, जैसे आप इसको घर में जैसे कभी कभी देखा होगा कि अपन बॉटल में पानी मिला और उसको खूब हिला देते हैं तो छोटे छोटे बबल्स जो है वो तेल के उसमें आ जाते हैं, अब उसको आप रेस्ट करके थोड़ी देर के लिए रख दें तो उसमें, क्योंकि हर द्रव का घनत्व अलग अलग होता है, जितने भी द्रव पदार्थ हैं हर एक का घनत्व अलग अलग होता है, जिसकी वजह से देखिए लेयर्स दिख रही होंगी आपको, इस प्रकार की लेयर बनती है। जब उन्हें हमें अलग करना होता है तो हम ये स्टॉप कॉक जो होता है उसको खोलते हैं और उस लेयर तक ले आते हैं जहां तक कि वो पानी है वो जैसे ही खत्म होता है उसके नेक्स्ट केरोसिन ऑयल है उसको, और उससे भारी तेल आप उसमें मिला लेंगे तो उसको भी हम उसके अलावा अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो विभेदीकरण की विधि है, विभेदी निष्कर्षण बोलते हैं, उसको इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। फिर उसके अगला है, नेक्स्ट में आ रहा है, अगला जो है विभेदी करने के बाद शायद चौथी जो विधि आती है वो हमारी आती है, विभेदीकरण में प्रभाजी आसन हुआ तब हुआ विभेदी निष्कर्षण किया, उसके बाद आती है क्रोमेटोग्राफी। आज के समय में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग बहुत सी जगह पर होता है, अधिकतर चीजों में जब हमको प्राप्त करनी होती है तो हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। उस क्रोमेटोग्राफी विधि में आपने देखा होगा अगर ब्लड टेस्ट होता है कुछ भी होता है तो वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं हिंदी में वर्ण लेखन। वर्ण का मतलब होता है रंग, ठीक है, और लेखन मतलब जब कोई भी एक पदार्थ है, जैसे आपने पालक देखा होगा, पालक आपको किस कलर का दिखाई देता है, सिंपली हमको वो हरे रंग का दिखाई देता है। अपन यदि साधारण तौर पर पालक का रस भी देखें तो हमको किस रंग का दिखाई देगा, हमको वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अब जब हम क्या होता है उसका क्रोमेटोग्राफी करते हैं, क्योंकि पालक के अंदर बहुत से कार्बनिक यौगिक, बहुत से पौष्टिक
जो पदार्थ है, पोषक तत्व जो है वो उपस्थित है, वो मान के चलते कि पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो जब क्या होता है कि हम कार्बन का क्रोमेटोग्राफी करते हैं या उसके हम विभेदन करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसके जो अलग अलग कार्बनिक यौगिक हैं, वो अलग अलग रंगों के कार्बनिक यौगिक हमको अलग अलग उसमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि उसका वर्ण लेखन या ये चलेगा क्रोमेटोग्राफी द्वारा हम उसको बता सकते हैं। इसमें दो प्रकार से क्रोमेटोग्राफी होती है। एक में क्या होता है, इसकी हमको वीडियो चलाना। जो क्रोमेटोग्राफी होती है, इन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये दो प्रकार से होती है। क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो दो प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती है। इसमें एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग चीजों को लेते हैं। जैसा आपकी किताब में भी दिया होगा कि पार्टीशन वाले में कॉलम जो है वो अलग अलग आ जाते हैं। पहले ये वाला चलाना, लेके चलेगा, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं किस प्रकार से, ये वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये चलते हैं और किस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी जो है वो होती है, ठीक है ना। तो क्या बात आज नहीं हो रहा है, अच्छा वो दूसरा वाला लगा दो, इंग्लिश वाला हम इसे बता दें, ठीक है। आप पूरा इंग्लिश वाला लगा दीजिए, आप इंग्लिश वाला लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अपने जो क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे थे, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो पालक है, पालक को जब हम पीसते हैं और उसके बाद उसको ऐसे कार्बनिक यौगिक में मिलाते हैं जिसमें कि क्या होता है कि वो जितने भी उसके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जितने भी पदार्थ जो होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ उस कार्बनिक विलायक में विलय हो जाते हैं। अब उसके पश्चात क्या होता है कि अलग अलग ये जो है ऊपर प्यूरिफिकेशन वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ जो हैं, वो सारे पदार्थ अलग अलग तरह से, जैसे कि आसुन में आपने देखा था कि क्वथनांक में उनका टेम्परेचर अलग अलग आता है। जैसे मैं आपको एक इसका डायग्राम बना के बताती हूँ किस प्रकार से उस क्रोमेटोग्राफी का जो पूरा वो है, ये वाला इसका क्रोमेटोग्राफी का जो है वो पूरा कैसा होता है। इस प्रकार से एक अलग, जैसे आपने वो अखबार वाला कागज देखा है, अखबार वाले कागज को क्या होता है कि जब कभी कभी पानी सोखना होता है अपन को तो उसका उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि एक सोखता कागज आता है जो आपने यदि लैब में देखा होगा, तो जिससे कि अपन चीजों को छानने का काम करते हैं, या तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमने उसका उपयोग नहीं भी किया है तो एक और आता है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं, वो भी सोखता कागज जैसा ही होता है, परंतु वो एक तरफ से कैसा होता है, बिल्कुल चिकना होता है। और वो चिकना होने की वजह से क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर एक ड्रॉप रख देते हैं, जिस भी पदार्थ का हमको अलग अलग पदार्थों का विश्लेषण करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी एक ड्रॉप रखते हैं और वो एसीटोन में क्योंकि घुला होता है तो उसपे हमको अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पे लेयर्स पे हमें पदार्थों की अलग अलग लेयर इस प्रकार से वो ऊपर चढ़ता जाता है और अलग अलग लेयर्स, पहले पता चला येलो मिली, फिर उसमें हमको मिलती है ब्लू लेयर, फिर उसके में आगे बढ़ते हैं तो वो ब्लू जो होती है वो ग्रीन हो जाती है और ग्रीन के बाद वो पिंक हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक उसमें घुले होते हैं वो सारे का सारे कार्बनिक यौगिक जो है वो अलग अलग प्रकार से अपना पहचान हमको वहां देते हैं जब उनको हम काहे में घोलते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें घोल लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, यदि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर नहीं भी होता है तब भी हम उसका इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जो अपना इंक है जिसका की उपयोग अपन करते हैं, जैसे अभी मैंने आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स की इंक का उपयोग, अलग अलग तरह की जो अलग अलग प्रकार की जो और आगे बढ़ाई तो इस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। अब ये जैसे आप एक वीडियो देखिए कि किस प्रकार से जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका उपयोग आज के समय में किया जाता है, इसको बोलते हैं सेपरेशन टेक्निक।
ठीक है। और इसका उपयोग करके हम किस तरह से बता सकते हैं, जैसे आजकल फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उस फिंगरप्रिंट्स में भी इनका उपयोग किया जाता है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आगे किस प्रकार से चल रहे हैं, उनसे देख करके हम पहचान लेते हैं कि किसने क्या किया है किसने नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम सेपरेशन टेक्निक का उपयोग करके, क्योंकि हमको उस स्थिति में देख रहे हैं आप चारों कलर्स येलो ग्रीन ब्लू रेड एंड ब्लू, तो ये जो ग्रीन कलर होते हैं इन्हीं जो बेसिक कलर्स होते हैं इनसे क्या होता है कि हमको अलग अलग रंग जो है, जैसा मैंने आपको बताया था अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं इसको प्ले करके, तो वो हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको यूज करा हमने, और एक पेंसिल से जैसे मैंने आपको बताया था एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस लाइन को ड्रॉ करके हमें मान लीजिए इसमें अलग अलग रंग जो है वो चार रंग आप लगा लीजिए, इन रंगों को हमने किया। अब ये तीन जो रंग होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हमारे बेसिक कलर्स होते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो ये हमारे कैसे कलर्स होते हैं बेसिक। आपने हर जगह जितने कलर्स हम प्रकृति में या कहीं भी देख रहे हैं वो इन तीन रंगों के मिलने से ही बनते हैं, अधिकतर इन्हीं तीन रंगों का उपयोग होता है। अब देखिए जब हमने इनको पानी में या किसी सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में घोला तो ये अलग अलग रंगों में इस प्रकार से आ गए हैं। इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखिए जो बीच वाला ग्रीन कलर था वो अलग हो गया, ये इसकी स्टेशनरी फेज होती है, मतलब ये रुके हुए, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था में होते हैं, क्योंकि जो सोखता कागज होता है वो क्या करता है बीच में जैसे चैनल उसके कैपिलरीज बन जाती हैं, और वो कैपिलरीज बनने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो नीचे से ऊपर धीरे धीरे चढ़ना शुरू होता है। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो कम डिस्टेंस तक जाएगा, और जो बीच का है तो वो जो ज्यादा दूरी तक नहीं गया और नहीं गया। अब इनका हमको निकालना है कि क्रोमेटोग्राफी से कि इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, क्योंकि क्या हुआ कि सॉल्वेंट जो था जिसमें हमने उसको घोला था उसी में वो कंपोनेंट घुला और वो घुल करके आगे आया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट कैसे आया कि जब हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी उस लाइन से लेके वो कहाँ तक ऊपर गया है उसको हम स्केल की सहायता से बाद में माप लेते हैं, और जो शॉर्टर है वो माप लिया और ये मांग। तो जो हमको इसका निकालना पड़ता है रेटेशन फैक्टर जो होता है, वो रेटेशन फैक्टर हम इस प्रकार से निकालते हैं कि जो डिस्टेंस उस कंपोनेंट के बारे के साथ ट्रेवल किया गया और लास्ट में जो सॉल्वेंट जहां तक आया, क्योंकि क्या होगा कि सॉल्वेंट तो और ऊपर तक चला जाएगा जिसमें कि उसको हमने घोला हुआ है, तो वो सॉल्वेंट ऊपर तक चला जाता है तो वो वहां तक इस प्रकार से होता है। तो जो रेटेशन फैक्टर निकाला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट की, मतलब कंपोनेंट जो हमने लिया था उसके द्वारा जितनी दूरी तय की गई और जितना हमारा जो सॉल्वेंट था जिसमें हमने उसको घोला है उसके द्वारा जितनी दूरी तय की गई है वो उसके अनुपात के बराबर होता है, इसके अनुपात के बराबर ये होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं रेटेशन सॉल्वेंट का जो है वो उसको निकाल लेते हैं, आधा रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी उसको हमने इसी तरह स्केल से माप लिया। अब इसका क्या, व्हाट डज द एरर वैल्यू टेल यू अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज सॉल्वेंट। अब किस प्रकार से अपन ने इसको निकाला है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द रिवेलेंट फैक्टर। लार्ज वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा वैल्यू वाला होगा वो मोर सॉल्युबल है, और मतलब लार्ज वैल्यू मतलब जो ज्यादा दूरी तक गया, स्मॉलर वैल्यू आई तो जो लेस सॉल्युबल था, इस प्रकार से आता है। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं एक सिलिका जेल बनाते हैं, सिलिका का जेल आता है, जेल अपन ने आपने देखे होंगे, उस सिलिका जेल को लेकर के एक स्लाइड के ऊपर बना लेते हैं, और वो आपके इसमें भी दी हुई है कि थिन लेयर से कैसे निकाला जाता है, बुक में भी आपके दी है। तो उस सिलिका जेल से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट होता है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, जो कि जो भी सॉल्वेंट हम लेते हैं वो उसके ऊपर लगाते हैं। उसमें तीन कंपोनेंट हमने ले लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ले लिए, जैसे नाइहाइड्रेट लिया
और उसके बाद उसमें जब आगे हम बढ़ते चले जाते हैं तो कंपोनेंट्स इस प्रकार से अपना अलग अलग प्रकार से वो देते हैं और वो अलग अलग प्रकार से आगे चलता चला जाता है। जैसे मान लीजिए अब आपने को किसी का थिन थंब प्रिंट देखना होता है तो वो इस प्रकार से हम उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा जो पूरी क्रोमेटोग्राफी है वो इस प्रकार से चलती है। ठीक है, अब अगला है, अरे कहाँ चले गए भैया, आप यहीं रहो, आप यहीं आइए। ठीक है, इस प्रकार से ये हम अपनी क्रोमेटोग्राफी जो है उसको पूरा कर लेते हैं। आप वो इंग्लिश वाला लगा दीजिए मेरा और मैं कर लूंगी उसको। ठीक है, वो आप यहीं रहो, कहीं जाओ मत। अब अगला हमारा आता है कि किस प्रकार से, जो तीसरा प्रकार है क्रोमेटोग्राफी का है वितरण क्रोमेटोग्राफी। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर या गतिशील दोनों प्रकार की उसमें होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो इसको छोड़ दो, आप नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, हम अपने हिसाब से करेंगे, जाने दीजिए इसको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अगला जो है अपना वो देखेंगे हम कि अब शुरू से एक बार अपन देखते हैं कि हमने जो जो अपने इसमें देखा है कि किस प्रकार से आगे आता है। आप नहीं आ रहा छोड़ दो, वो इंग्लिश वाला जो यदि लग जाए तो ठीक है, तुम्हें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ा। अभी हमने क्या पढ़ा है कि वर्णलेख या क्रोमेटोग्राफी जिसका नाम रखा गया है, हमने अभी क्या देखा था, वर्ण लेखन। ठीक है, जब सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो अपन ने क्रोमेटोग्राफी शब्द आया है वो कहाँ से आया है, इसका उपयोग युवकों के शोधन के लिए किया जाता है क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे थे, ये शब्द क्रोमा शब्द से आया जो कि एक ग्रीक वर्ड था, उस ग्रीक वर्ड से ये आया है क्रोमा शब्द से, जिसमें कि ये दिया गया था कि किस प्रकार से क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है रंग, रंग विभेदन द्वारा पदार्थों का शुद्धिकरण। इस प्रकार से क्या हुआ है कि वो क्रोमा द्वारा पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है और उसके द्वारा उनको आगे ले जाया जाता है। अगला अपना आखिरी वाला जो था, इसमें आखिरी वाले में इसमें नहीं आएगा, वो आपको गलत आएगा। आखिरी वाला जो था उसमें हमने देखा था कि वितरण क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील जो प्रावस्थाएं होती हैं उसके मध्य मिश्रण के अवयवों का लगातार विभेदन करने की विधि होती है, इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो मैं आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर के बारे में बता रही थी वो क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है वो उसके बारे में होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि कागज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब ऊपर से नीचे से ऊपर की, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपना पेपर होता है वो सोखता पेपर उसको सोख लेता है, तो वो एक कैपिलरीज बन जाती है, छोटी छोटी नलियां बन जाती है जिससे कि एक के बाद एक ऊपर आता चला जाता है। तो जब वो ऊपर एक के बाद एक आता है जो कैपिलरीज के द्वारा, तो जो पट्टी जो होती है उसमें विलायक जो है वो अलग अलग भरा रहता है, तो वही सेम जो हमने अभी थिन क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था वही स्थिति वहां पर भी उत्पन्न हो जाती है कि जैसे ही वो एक लेयर पे हमने ड्रॉप रखा, इसको हमने किसी विलायक में लिया और उस विलायक में जब इसको घोलते हैं तो ये ड्रॉप जो होता है, ये पॉइंट जो होता है वो धीरे 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 ऊपर आता है और जितने भी पदार्थ इसमें होते हैं वो सब क्या होते हैं, धीरे धीरे अलग होते चले जाते हैं और इस प्रकार से हम क्या होता है कि उसका जो पदार्थ है उसको अलग अलग हम प्राप्त कर ले। इस विधि से अधिकतर क्या होता है कि जैसे हमको जब ब्लड टेस्ट होता है, आज के समय में आप देखो जब ब्लड टेस्ट होता है तो वो उसी क्रोमेटोग्राफी विधि से भी किया जाता है, जिसमें कि क्या करते हैं कि अलग अलग उसको कर लिया जाता है। अब अगला इसके बाद हमारा जो है कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। अभी हमने अपने पिछले जो क्लासेस थी उन पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, ये सारे कार्बनिक यौगिक काहे से मिलके बने, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने थे। इनमें क्या होता है कि इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में हमने पढ़ा था कि कुछ व्युत्पन्न होते हैं और कुछ प्रतिस्थापी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जब हमने इनका प्रतिस्थापी जो होते हैं उनका जब हमने नामकरण पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, तो जो ये प्रतिस्थापी है और ये व्युत्पन्न है, इनकी वजह से क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिकों की पहचान करी जाती है और जो ये कार्बनिक यौगिकों की पहचान जो की जाती है उसमें हम अलग अलग जो कार्बन होते हैं, तो सबसे पहले आता है कि यदि किसी कार्बनिक, मान लीजिए हमको ऐसे नॉर्मल कोई पदार्थ दे दिया और उसको कहा गया कि अब आप इसमें कार्बनिक यौगिकों की पहचान कीजिए,
कि ये कार्बनिक है भी कि नहीं है, तो उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हम किसकी पहचान करते हैं, कार्बन की पहचान करते हैं, और किसकी पहचान करते हैं, हाइड्रोजन की पहचान करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यौगिक को कार्बन ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कार्बन ऑक्साइड CuO, ये तो आप सभी ने देख मालूम होगा, कार्बन ऑक्साइड कहते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसकी जो कार्बन है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कार्बनिक यौगिक काहे से मिलकर बने, कार्बन से मिलकर बने हैं और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक है उसकी कार्बन क्या होती है, वो कार्बन जब हम गर्म करते हैं तो कोई भी पदार्थ को आपने देखा होगा जब हम गर्म करते हैं, आप ऐसा निशान आपने जब समीकरण पढ़े तो उसने पढ़ा था, यदि ऊपर ऐसा निशान लगा हुआ है इसका मतलब होता है गर्म करना। जब आप इसको गर्म करेंगे तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, और हर पदार्थ जितने भी कार्बनिक यौगिकों को जब हम गर्म करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसका परीक्षण हम कैसे करें कि जो पदार्थ हम जला रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन भी रही है कि नहीं बन रही है, उसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि जहां हमने उसको जलाया है यदि उसके ऊपर हम जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएंगे तो वो तीली अपने आप क्या होती है, बुझ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब हम इसको जला रहे हैं, कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम जला रहे हैं, तो उस कार्बनिक यौगिक से जो ये गैस बन रही है इसको यदि हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो वो पानी सफेद या दूधिया हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति को बता सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त वही कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन, उसको हमने किसके साथ जलाया हुआ है, कॉपर के ऑक्साइड के साथ जलाया हुआ है। तो जब इसको हम कॉपर के ऑक्साइड के साथ जलाते हैं तो क्या हुआ कि जब हमने इसको कॉपर के ऑक्साइड के साथ जलाया तो वही प्रक्रिया हो रही है, हमने यहाँ हाइड्रोजन की जो प्रक्रिया होगी, जब हाइड्रोजन की प्रक्रिया होगी तो कार्बन बनेगा और पानी बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जब पानी से क्रिया करेगा तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और पानी भी जो है वो साथ में बनता जाता है। पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस होती है, ये क्या करती है कि जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो रही है उसकी CaOH के साथ जो चूने का पानी था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जिसकी जगह से वो सफेद रंग का हो जाता है। अब ये पानी क्या होता है कि जो H2O है ये इसको हम यदि उसमें कॉपर सल्फेट मिलाएं, क्या मिलाएं हम, कॉपर सल्फेट में मिलाएं उसमें, तो कॉपर सल्फेट जो है वो मिलाने से वो क्या होता है कि वो नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड मिलाते हैं, जो ये कॉपर क्लोराइड इसमें मिलाते हैं, ये कॉपर क्लोराइड CaCl2, ये काहे में बदल जाएगा कॉपर सल्फेट जो है, जैसे ही कॉपर सल्फेट जो होता है वो सफेद रंग का है क्योंकि वो क्रिस्टलिन के रूपस्थ में होता है, तो वो पानी जैसे ही उस कॉपर सल्फेट को हम उसमें मिलाते हैं तो वो पानी कैसा हो जाता है, कॉपर सल्फेट की वजह से नीला हो जाता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट में किसी भी पदार्थ को जलाते हैं कार्बनिक यौगिक को, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस की अवस्था में होती है तो वो ऊपर रहती है, इस गैस को हम कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने पर क्या होगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि कैसा होता है, सफेद रंग का होता है और चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। और उसी मिश्रण में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो जो वो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाने पर ये पता लगा सकते हैं कि वो जो है वो नीला पानी हो जाता है और नीला रंग देता है। अब इसके अतिरिक्त इसमें अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जिनको कि हम कहते हैं अन्य तत्व, वो है हैलोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जिनके की व्युत्पन्न हमने पढ़े थे और हमने कहा था कि प्रतिस्थापी यौगिक होते हैं। उसके लिए एक लेंसे परीक्षण होता है, लेंसे परीक्षण। अब इस लेंसे परीक्षण के लिए क्या होता है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ हमें दिया होता है उसको हम सोडियम के साथ
इसके साथ मिलाते हैं सोडियम का एक छोटा सोडियम का टुकड़ा, शायद आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा होगा कि बहुत सॉफ्ट धातु होती है जिसको कि अपन चाकू से काट लेते हैं, उसका हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसके साथ जो भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, इसके साथ गर्म करते हैं और गर्म कर करके एक पदार्थ बन जाता है जो कि सोडियम व्युत्पन्न उसका बन जाता है। उस लेंस से परीक्षण द्वारा हम किस किस का कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और उसके अलावा नाइट्रोजन फास्फोरस, इनका भी परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका परीक्षण करते हैं क्योंकि वो सोडियम के साथ जब क्रिया होती है तो उसके साइनाइड्स बन जाते हैं, सोडियम CN बन जाता है, साइनाइड बन जाता है और आगे जब इनका हमको परीक्षण करना होता है तो यदि मान लीजिए इसमें हैलोजन उपस्थित है तो वो हैलोजन Na के साथ जब क्रिया करते हैं तो Na के साथ सोडियम और इसकी क्रिया होती है और NaCN बनते हैं। ये NaCN जो है वो सल्फर के साथ क्रिया करते हैं तो सल्फाइड बना लेते हैं और हैलाइड्स के साथ क्रिया करते हैं तो उनके सोडियम हैलाइड के साथ क्रिया मतलब सुपरक्लोरीन ब्रोमीन आइडियल्स के साथ करते हैं तो NaX जो है वो बन जाते हैं। इस प्रकार से जब ये बन जाते हैं तो इनका सोडियम संलग्न अवशेष जो प्राप्त होता है उससे हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण करके इनको अलग अलग तरह से पद प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से उसमें हाइड्रोजन परीक्षण करते हैं, उसमें सल्फर परीक्षण करते हैं और उसमें नाइट्रोजन का परीक्षण करते हैं। नाइट्रोजन परीक्षण करने के लिए उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और आयरन सल्फेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर उसमें हमको क्या होता है पर्शियन ब्लू कलर, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर प्राप्त होता है। और उसके अलावा जब हमको सल्फर का परीक्षण करना होता है तो हम इसमें लेड एसिटेट मिलाते हैं, लेड एसिटेट मिलाने से हमको काला रंग प्राप्त हो जाता है। और हैलोजन का परीक्षण करना होता है तो हैलोजन के परीक्षण में जो हमारा सोडियम निष्कर्ष, क्योंकि जो भी नल से परीक्षण के लिए सोडियम के साथ जब हम इसको गर्म करने पर बनाते हैं तो जो भी बनता है उसको बोलते हैं हम सोडियम निष्कर्ष। ये हमारा क्या कहलाता है, सोडियम निष्कर्ष कहलाता है। और इस सोडियम निष्कर्ष से हम क्या करते हैं उसको जितने भी परीक्षण हमें करने होते हैं वो सोडियम परीक्षण करते हैं और नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो सिल्वर के जो काला रंग के जो पदार्थ मतलब वो आ जाता है, श्वेत प्रेसिपिटेट आता है जो क्लोरीन का होता है और ब्रोमीन की उपस्थिति होती है तो पीले रंग का अवक्षेप आता है और यदि आयोडीन उपस्थित होता है तो डार्क पीले रंग का अविलेय सा प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होता है। तो अगली कक्षा में हम इनके प्रयोग अपन एक बार करके देखेंगे, इनका सोडियम निष्कर्ष बना के लाएंगे और उसके बाद आपको इनके परीक्षण करके भी फिर से बताएंगे कि किस प्रकार से इनका नेल से परीक्षण करके हम अलग अलग पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसको आप और अच्छे से अपनी पुस्तक में और परीक्षण द्वारा इनको कर सकते हैं, आप इनका परीक्षण अपनी प्रयोगशाला में भी करके इन परीक्षणों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो आज का बेकार हो गया, बिल्कुल अच्छे लिख के लाएंगे।